और इधर धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में झारखंड के चाईबासा जेल में बंद यूपी के शूटर अमन सिंह ने पूर्व के अनुसंधानकर्ता इंस्पेक्टर नीरज चंद तिवारी और झरिया विधायक के मौसेरे देवर हर्ष सिंह पर संगीन आरोप लगाए हैं। धनबाद के एडीजे 16 एमपी और एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में अमन सिंह ने याचिका दर्ज कर जान बचाने की गुहार लगाई है। अमन सिंह ने अपनी जान पर खतरे का अंदेशा जताया है। अमन सिंह का आरोप है कि चाईबासा जेल में उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अमन का आरोप है कि 30 से 31 जनवरी की रात जेल में प्रशासन ने छापा मारा था। छापामारी के क्रम में केस के पूर्व अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी भी जेल पहुंचे थे और उसी दौरान अमन सिंह की बात इंस्पेक्टर तिवारी ने हर सिंह से करवाई। अमन सिंह का आरोप है कि इसी दौरान उसे धमकी दी गई है। हत्याकांड में कल अमन सिंह के द्वारा एक आवेदन न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है, जिसमें उसने पूर्व अनुसंधानक निरंजन तिवारी, जो अभी चाईबासा थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित हैं, और हर्ष सिंह पर अपने मन मुताबिक इस मुकदमे में बयान देने के लिए दबाव देने का और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। और न्यायालय से उसने गुहार लगाई है कि हमारी जान को यहाँ खतरा है, इसलिए उस मामले को भी न्यायालय देखे। अमन सिंह का आरोप है कि दिनांक 30-31 की रात्रि में चाईबासा मंडल कारा के चेकिंग के दौरान वहां कुछ पदाधिकारी के साथ निरंजन तिवारी भी छापेमारी के उद्देश्य से पहुंचे थे और अमन सिंह के तो धनबाद में नीरज हत्याकांड का मुख्य शूटर अमन सिंह को जान का खतरा है। अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और चाईबासा जेल में बंद है अमन सिंह। केस के पूर्व अनुसंधानकर्ता पर जान से मारने का धमकी देने का आरोप लगाया है। हर्ष सिंह पर भी लगाया धमकी देने का आरोप। आपको बताएं कि जेल में छापेमारी के दौरान धमकी देने का आरोप अमन सिंह ने लगाया है। धनबाद पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में चाईबासा जेल में बंद शूटर अमन सिंह का आरोप, तो केस के पूर्व अनुसंधानकर्ता पर धमकी देने का अमन सिंह ने आरोप लगाया है। जान पर खतरे का अंदेशा जताया है मुख्य शूटर अमन सिंह। बताएं कि आपको कि अमन सिंह ये वही कुख्यात अपराधी है जिसने धनबाद में नीरज हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जाता है। उसने अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। जाहिर तौर पर यह संगीन आरोप है और इसको लेकर अब क्या कुछ होता है, कैसी जांच होती है और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से फोनलाइन पर अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या है पूरा मामला, क्योंकि लगातार अब अमन सिंह भी आरोप लगा रहे हैं और वो भी प्रशासनिक अधिकारियों पर। देखिए आकाश, इस मामले में कह सकते हैं हम ये जो नीरज सिंह हत्याकांड का जो मुख्य शूटर था, हालांकि साजिशकर्ता के रूप में संजीव सिंह धनबाद जेल में एडमिट हैं, तो भर्ती हैं, यहाँ धनबाद जेल में बंद है और उनके साथ कई अन्य लोग भी हैं। अमन सिंह मुख्य शूटरों में से एक है, जो यूपी का लड़का था और संपर्क में संजीव सिंह, जैसा आरोप लग रहा है, जो संजीव सिंह ने उसको हायर करके नीरज सिंह की हत्या करवाई थी। तो ये फिलहाल इसकी ये इतना दुर्दांत है कि इसके नाम पे पूरा न सिर्फ कोयलांचल बल्कि राज्य के दूसरे जिले भी आतंकित हैं। वहाँ के व्यापारी ये रंगदारी के लिए लगातार अमन सिंह का फोन आता है और मांगा जाता है। इसको देखते हुए धनबाद जेल से इसे चाईबासा शिफ्ट कर दिया। पहले रांची हटवार जेल शिफ्ट किया गया था, वहाँ से फिर चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे 30-31 को जो राज्य सरकार के निर्देश पे सभी जेलों में जो जाँच हुई थी उसी के तहत तो वहाँ चाईबासा जेल का भी इंस्पेक्शन किया गया था। और जैसा कि अमन सिंह के वकील ने यहाँ पे एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्पेशल जज के कोर्ट में जो याचिका दायर की अमन सिंह की होती, उसमें बताया गया कि वहाँ चाईबासा के जो इंस्पेक्टर हैं निरंजन तिवारी पूर्व में इस कांड के धनबाद में अनुसंधान कर रहे हैं, वो गए अंदर जेल में और अमन सिंह को धमकी देते हुए हर सिंह से फोन पे बात कराई और यह भी कहा कि नीरज सिंह की हत्या को तुम यह कबूल लो कि संजीव सिंह के कहने पे ही। अरुण, एक सवाल ये भी है कि अगर इसको लेके जांच
गठित की जाती है, जांच एजेंसी पर काम करती है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी पर जो संगीन आरोप लगा है, क्या वे संगीन आरोपी भी, यानी वे प्रशासनिक अधिकारी भी क्या फिर इसके दायरे में आ जाएंगे और क्या उन पर कोई कार्रवाई भी होगी? सब कुछ तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जिस तरह के दावे अमन सिंह के अधिवक्ता की ओर से किया गया है कि उसमें यह कहा गया है कि वहाँ जो सेल के बाहर जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसके फुटेज को कोर्ट मंगाकर देख ले, उसमें सब कुछ साबित हो जाता है। और दूसरी बात, अपने कानून में यह है कि आप अगर वो किसी भी संगीन मामले का आरोपी है, जब तक कन्विक्टेड नहीं हो जाता, सजा नहीं हो जाती उसको, तब तक वो आरोपी है और उसको आप किसी भी तरह से दबाव नहीं दे सकते हैं कि वो उस मामले की जाहिर तौर पर अरुण ये एक बड़ा मामला है और एक संगीन आरोप उसने प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाया है कि लोग अब उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि याचिका दायर की गई है, क्या कुछ होता है इस मामले में। अब इस मामले में विशेष अपनी पैनी नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।